नमस्कार। इसमें यहाँ पे लाइव तस्वीरें करनाल के सी आई ए वन शाखा से देख रहे हैं। हम आपको बता दें, सी आई ए वन शाखा को जो है एक और बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है, जहाँ 5 बाइक चोर गैंग के जो लोग हैं, चोर जो हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम आपको बता दें, इनसे जो है 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 ट्रैक्टर, 1 ट्राली और 1 रूटावेटर के साथ जो पानी के टंकर के जो टायर्स होते हैं वो जो है इनसे बरामद किए गए हैं। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको इस समय सी आई ए वन शाखा से दिखा रहे हैं। और एक ही अपील आप लोगों से कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातों की अगर हम बात करें, वो जो है बढ़ती ही जा रही थी, और कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाना हालांकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सी आई ए वन शाखा को जो है कामयाबी ज़रूर मिली है। किस तरीके से 5 बाइक चोर गैंग के व्यक्तियों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जो पकड़ा गया है उन्हें, और उनसे चोरी की गई जो बाइक्स हैं उनके हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। 5 बाइक्स जो है इनसे बरामद की गई हैं, 2 ट्रैक्टर हैं, 1 ट्राली है और 1 रूटावेटर है, जो कि खेत की सिंचाई करने में मददगार है, और पानी के टंकर के जो है 2 पहिए, ये सब जो है इनसे बरामद किया गया है। आप लोग देख सकते हैं बाइक चोर गैंग के ये 5 व्यक्ति, जिनकी उम्र जो है 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है, हालांकि एक व्यक्ति की उम्र जो है 26 साल है। सभी के ऊपर हालांकि पिछले हिस्ट्री में जो है कोई भी ऐसा मामला दर्ज नहीं है। नशे के आदि हैं ये लोग भी, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है अपनी नशे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही जो है इस तरीके की सभी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और इस वारदात को अंजाम देने के पीछे भी नशे की पूर्ति जो है वही एक कारण था, और जिसके चलते जो है इन सभी चोरों ने जो है इन वारदातों को अंजाम दिया, जिनसे 5 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 ट्रैक्टर जिसका इस्तेमाल किया गया था दूसरे ट्रैक्टर को चोरी करने के लिए, और उसके अलावा 1 ट्राली जो कि हालांकि फ़िलहाल दीवार के दूसरी तरफ खड़ी है, 1 रूटावेटर और 1 पानी के टंकर के जो है टायर वो बरामद किए गए हैं। जो एंटी ऑटो थेफ्ट के इंचार्ज हैं रोहताश, उनसे एक बार हम बातचीत करना चाहेंगे और आप लोगों से अपील ही करना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। रोहताश जी इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ बरामद किया गया है इन सबसे, और क्या कुछ जानकारी? आईडी सर बाइक नहीं है। जी, ये हमारे एसपी साहब, हमारे एसपी साहब सुरेंद्र बोरिया साहब ने हमारे को शैयवन में एक व्हीकल थेफ्ट स्टाफ बनाया है, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। हमारे इंचार्ज हैं दीपेंद्र राणा जी, उनके एसपी साहब और दीपेंद्र राणा जी के दिशा निर्देश अनुसार हमने काम करते हुए, हमने गुप्त सूचना के आधार पर एक देवेंद्र उर्फ माटी है, जो दुमसी गांव का रहने वाला है, इसको चोरी की एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया था। इससे हमने और पूछताछ की, इसको पुलिस रिमांड पर लिया। दौरान पुलिस रिमांड इसने अपने और साथियों के नाम बताए, जिनमें हमने स्किन के जो साथी हैं, एक कमल है उधर गांव गड्डी जटान का, और एक है राहुल उर्फ बिल्ला, वो उधर हरिपुर जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार कर लिया। इनसे हमने टोटल 2 ट्रैक्टर, 1 ट्रैक्टर जो चोरी किया आया है इंद्री से, 1 ट्रॉली और 1 रूटावेटर, और 1 पंचायती गड्डी सदान के गांव से एक जो पानी का टैंकर था उसके पहिए और एक्सल, 1 ट्रैक्टर जो वारदात में प्रयोग किया गया वो पकड़े हैं, और 2 लड़के और हैं, एक सागर है जो गड्डी जटान का रहने वाला है, उसको भी चोरी की मोटरसाइकिल से हमने कुंजपुरा रोड से गिरफ्तार कराया, उसको भी पूछताछ करी और पुलिस रिमांड पर लिया। दोनों ने रिमांड, उसका एक साथी है जो दीपक है उधर खानपुर गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। दोनों रिमांड से 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जो टोटल ये गैंग पकड़ा हमने इससे 5 मोटरसाइकिलें, 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 1 ट्राली, 1 रूटावेटर और पहिए और एक्सल, ये बरामद हुई है। कोई हिस्ट्री भी इनकी, हिस्ट्री शीटर है? नहीं, ये पहले चोरी का कोई इन पे केस दर्ज नहीं थे, अभी पकड़े हैं। पहले जिस तरह से दिख रहा है कि यानी छोटी उम्र के हैं लड़के, ये युवा ही लग रहे हैं, क्या कारण सामने आया कि किस कारण से इन्होंने ये वारदातें की? ये इनमें जो तो इस गैंग का जो हेड है देवंदर और मट्टी जो दुमशेर रहने वाला है, ये जमींदार है, इन्हें ये जो और हैं इसके साथी वो नशे में डाल के इनको बिना दारू दूरू पिलाने के बहाने इन्हें चोरी करी, और इसने अपने उसमें प्रयोग में यूज करी, ट्रॉली अपने खेत में यूज करी, रूटावेटर अपने खेत में यूज करा, इस तरीके से इन्होंने चोरियां की। एक और सवाल है सर, जैसे एक किसान आप बता रहे हैं जमींदार है, उसने उसी मॉडल का ट्रैक्टर चुराया जो उसके पास ऑलरेडी था। जी जी जी, हाँ, उसी अपने, वो क्या मकसद पता लगा कि उसी मॉडल का चुराया, भी लोगों को पता ना लग पाए कि मैं अपना चला रहा हूँ या चोरी का चला रहा हूँ? हाँ हाँ, मकसद नंबर नहीं होते ट्रैक्टरों को? नहीं, नंबर तो होते हैं लेकिन लोकल जगह नंबर
हटा लेते हैं, कोई खास बात नहीं। तो इन्हें दोनों ट्रैक्टर एक से थे भाई, किसी को पता नहीं लगे भाई ट्रैक्टर उसका है या कोई चोरी का। जिन जिन की सर ये वाहन थे उनको सूचना दे दी गई? हाँ सभी का, जिन इनके संबंध में इंद्री थाने में 6 मुकदमे इंद्री थाने के जो हमने ट्रेस किए हैं, 3 मुकदमे सिटी थाने के हैं जो हमने अभी ट्रेस किए हैं सभी के। क्या कार्रवाई की गई है? आज इनका पुलिस रिमांड है, खत्म हो गया है, इसको जुडिशियल जेल भेजा जा रहा है। कहाँ कहाँ के रहने वाले आरोपी? ये आरोपी हैं एक गांव दुमसी का, 2 गड़ी जटान और एक हरिपुर जिला कुरुक्षेत्र का और एक खानपुर का। क्या करते हैं? तो आप देख सकते हैं जैसा कि सर ने हमें जो है जानकारी दी कि पुलिस रिमांड जो है आज इन 5 बाइक चोर गैंग के जो चोर है उनकी खत्म हो चुकी है और अब जो है इन्हें जुडिशियल जेल जो है भेजा जाएगा। हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, 2 ट्रैक्टर जिनकी आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये 2 ट्रैक्टर जो है इनसे बरामद हुए हैं और उसके अलावा 5 चोरी की जो है मोटरसाइकिलें हैं, एक ट्राली है, एक रूटावेटर है और एक पानी के टैंकर की जो व्हील्स होते हैं और एंगल होता है वो जो है इन सभी से बरामद किए गए हैं। और नशे के आदि ये लोग हैं जिसकी नशे की पूर्ति के लिए जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। किसी भी तरीके की पुरानी हालांकि इनकी चोरी की हिस्ट्री नहीं है। आज जो है इनका पुलिस रिमांड खत्म हुआ है और इसके बाद जो है इन्हें जुडिशियल जेल भेजा जाएगा। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको इस समय करनाल की CIA वनशाखा से दिखा रहे थे और जहां हर बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम अपने सभी व्यूअर्स से एक ही अपील करती हुई आई है कि आप लोग अगर बाइक चलाते हैं तो बाइक के जो 2 लॉक्स होते हैं एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहला लॉक जो कि यहाँ पर होता है जो कि नॉर्मल एक हैंडल लॉक होता है, लेकिन उसके अलावा नीचे का लॉक भी आप लोग ज़रूर लगाइए। हर बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है इस चीज़ को अपील करती है ताकि अगर आप लोग कहीं पब्लिक प्लेस पर अपनी बाइक रखकर जाते हैं तो आपकी व्हीकल चोरी ना हो, इसीलिए जो है डबल लॉक लगाना ज़रूरी है। काफ़ी बार देखा गया है पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो कल्पना चावला अस्पताल की पार्किंग हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल की पार्किंग हो, चाहे वो करण गेट मार्केट हो, जहां पर ज़्यादातर रश देखा जाता है वहां पर भी जो है कई ऐसी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है और जहां दिन प्रतिदिन जो है ये वारदातें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही थी, लेकिन उसी के चलते कहीं ना कहीं CIA वनशाखा को जो है ये बड़ी कामयाबी ज़रूर मिली है। 5 बाइक चोरों को जो है गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है, जिनकी आज पुलिस रिमांड जो है खत्म हुई है और अब उन्हें जुडिशियल जेल भेजा जाएगा। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको CIA वनशाखा से दिखाई। एक बार फिर से आप सभी लोगों से एक ही अपील, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी, अगर जो जो चीज़ें इनसे बरामद की गई हैं उनकी बात करें तो 5 जो है चोरी की मोटरसाइकिलें हैं, 2 ट्रैक्टर है, एक ट्रॉली है, एक रूटावेटर है और एक जो पानी के टैंकर के व्हील्स और एंगल होते हैं वो जो है इन 5 बाइक चोरों से जो है बरामद किए गए हैं। पुलिस रिमांड पर उन लोगों को लिया गया था जिसकी रिमांड जो है आज खत्म हो गई है और अब इन्हें जो है इसके बाद जुडिशियल जेल भेजा जाएगा। हमारी एक बार फिर से आप लोगों से यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग 2 व्हीलर्स पर ट्रैवल करते हैं तो 2 लॉक्स जो है बाइक के वो ज़रूर लगा के निकलिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।